सांवरा तो आपकी प्रीत निभाना हमेशा चाहते हैं, इसीलिए वो आपके हृदय में विराजमान है, लेकिन आपको उनसे इतनी प्रीत करनी होगी कि वो आपकी प्रीत निभाएं भी। आपको प्रीत निभानी है, सांवरा तो प्रीत निभा ही रहे हैं, भगवान तो प्रीत निभा ही रहे हैं। जैसे कि श्लोक है, अनेजद एकम मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन्न अपो मादृशवा दधाति। अर्थात हालांकि भगवान अपने लोक में विराजमान है, लेकिन फिर भी वो मन से भी तेज चल सकते हैं और सभी चलायमान को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवी देवता उन तक कभी नहीं पहुंच पाते, एक ही जगह पर स्थित होकर भी वे उन्हें नियंत्रित करते हैं जो हवा और वर्षा प्रदान करते हैं, उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। भगवान की महत्ता, भगवान की महानता और जितनी भी कही जाए बहुत कम है। और देखते हैं आप, जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान की जो चाल है वो बहुत तेज है। आपने सुना भी होगा कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान अपने लोक में ही थे, अपने धाम में थे, और जब चीरहरण हो रहा था और जब दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी ने आत्मसमर्पण किया, पहले वो पांडवों का मुंह ताक रही थी, फिर वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और जो धृतराष्ट्र, सब की उन्होंने दुहाई दी, सबको उन्होंने कहा कि आप मुझे बचाओ, लेकिन कोई सामने नहीं आया। फिर जब उन्होंने एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी और एक हाथ और मुंह से उन्होंने साड़ी दाबी हुई थी, एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी और एक ही हाथ उन्होंने उठाया था, तो भी भगवान नहीं आए। लेकिन जब उन्होंने दोनों हाथ उठा करके समर्पण कर दिया कि अब कोई भी नहीं है मेरा आपके सिवा, सिर्फ आप ही आप मेरे हैं, आप ही की मैं शरण लेती हूँ, मैं आपकी शरण लेती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए भगवान। और जब वो आर्तनाद करने लगी, पुकारने लगी भगवान को व्याकुल होकर के, व्यग्र होकर के, रो करके, तो भगवान देखिए मन की गति से भी तेज चाल से वहां प्रकट हो गए और उन्होंने जो है साड़ी का अवतार ले लिया और उनकी साड़ी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई और इस प्रकार से द्रौपदी की लाज बच पाई। तो भगवान जो है उनकी चाल के बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए, भगवान की किसी चीज के बारे में शक नहीं होना चाहिए, भगवान की किसी शक्ति के बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो शक है, जो संशय है, जो अश्रद्धा है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। हाँ, तो कितने सुंदर सुंदर उदाहरण है हमारे शास्त्रों में कि देखिए भगवान को कोई भी नहीं समझ पाता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी तपस्वी, बड़े बड़े देवी देवता कोई नहीं समझ पाता। ब्रह्मा जी जो कि आदि जीव हैं, जो कि प्रथम जीव हैं, वो ब्रह्मा जी वो भी भगवान को नहीं समझ पाए। जब भगवान जो है अपने सखाओं के साथ और वो वहां पे बैठ करके कलेवा कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो कभी वो एक दूसरे से ठिठोली करते, उधर गाय चर रही थी और ठिठोली करते, कभी वो उनके मुंह से छीन लेते भगवान और मुंह से निकाल करके खा लेते, क्योंकि उनका एक सखा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लाया हूं, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं बहुत अच्छा खाना नहीं लाया हूं, कैसे अर्पित करूं मैं भगवान को। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं जो भी लाए हो दिखाओ, क्या तुमने छुपा करके मुंह में डाल लिया, दिखाओ दिखाओ। और भगवान ने उनके मुंह में हाथ डाल करके वो खाना लिया और खा लिया। अब यही चीज जो है ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे, किसी ने बताया कि यही भगवान है, तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इनकी मैं परीक्षा लूंगा। तो उन्होंने क्या किया, भगवान की सारी गाय वगैरह थी उसको गायब कर दिया और उसके बाद थोड़ी देर में जब भगवान ने कहा हाँ गाय कहाँ गई, गाय ढूंढने गए वो, तो देखा गाय कहाँ है, फिर वापस आए तो देखा कि उनके जो सखा थे वो भी गायब। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो उन्हें तो सब पता है, अंतर्यामी है भगवान, तो उन्हें पता चल गया कि ब्रह्मा जी का ये काम है। तो उन्होंने अपने आप को इतनी ही गायों के रूप में विस्तार किया, भगवान ही सारे के सारे सखा बन गए, उनकी कमली, उनकी वंशी भगवान बन गए, उनकी लाठी, ये सब कुछ भगवान बन गए, किसी को इस बारे में नहीं पता चला। और उसी रूप में भगवान जो है उनके सखाओं के घर में चले गए और उनकी माएं जो हैं उन सखाओं की, उन बच्चियों की, बछड़ों की माएं जो है उनको बहुत प्यार करने लगी, क्योंकि भगवान है तो कुछ अधिक ही प्यार उमड़ने लगा। तो ये जब ब्रह्मा जी ने देखा आकर के कि अरे मैं तो सबको जो है छोड़ करके आया था, ये सब वापस कैसे आ गए, तब भगवान ने दर्शन दिया कि देखो सब में मैं हूँ। तब उन्होंने जो है हार मान ली और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करने चला था और कोई आपको समझ नहीं सकता, भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए। तो ठीक है, हम भी समझ नहीं सकते लेकिन भक्ति से शायद कुछ समझ सकते हैं। एक श्लोक आपके लिए, बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, ध्यान से सुनिए।
नैशाति दुःसहा क्षुण माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबन्तम त्वन मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। अर्थात मृत्यु के कगार पर होने के कारण मैंने खाना पीना त्याग रखा है, पर चूंकि मैं आपके मुख से निकली हुई भगवान की कथाओं के अमृत का पान कर रहा हूँ, अतः वो भूख और प्यास जिन्हें काबू करना असंभव है वो मुझे तंग नहीं कर रहे। कितनी प्यारी बात है, कौन कह रहा है ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव स्वामी से। सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो आप मुझे भगवान की कथाओं का अमृत पिला रहे हैं, इसके कारण जो मुझे भूख और प्यास लग सकती थी वो अब लग ही नहीं रही। मतलब भगवान की कथाओं में क्या रस होता है, कितना कितना रस होता है। अगर आपकी जिह्वा को ये रस लग जाए, अगर आप अपनी जिह्वा में से समस्त अन्य रस निकाल फेंकें जो आपको माया का रस लगा हुआ है अभी आपकी जिह्वा पर, कि आप यहां वहां जाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं, क्या क्या अनाप शनाप बोलते हैं और कितनी ही बातें सुबह से लेकर के रात तक करते हैं, और ये सारी बातें जो आप करते हैं उनका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये बातें एक बड़ा सा जीरो है आपकी जिंदगी में, आपको कुछ दे करके नहीं जाएंगी। उल्टा आपके जो कर्म है वो खराब हो जाएंगे, आपकी जो चेतना है जो कि भगवत चेतना होनी चाहिए वो भौतिक चेतना हो जाएगी, और भौतिक चेतना बहुत खराब चेतना होती है। भौतिक चेतना आपको इसी धराधाम पर, इसी पृथ्वी पर लेकर के वापस आ जाएगी, किसी भी योनि में, 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में आप वापस आ जाएंगे। और ये बहुत दुखद बात है कि आप अपनी जिंदगी को, जो मनुष्य योनि मिली है आपको, उसे आप इस तरह से बर्बाद कर देंगे। ये बहुत ही दुख की बात है। तो कितनी सुंदर बात इस श्लोक में कही गई है कि मृत्यु के कगार पर होने के कारण परीक्षित महाराज को ये श्राप मिला था कि 7 दिनों के अंदर तक्षक सर्प उन्हें काट लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे को दे दिया था और वो चले आए थे जो है नदी के तट पर, और वहां पर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से ये कथा सुनी भगवान के बारे में, भगवान की कथाओं का जो है पान किया, और जो वो कथाएं वो सुनते थे और बाद में वो सवाल भी पूछते थे, और सवाल के बड़े ही खूबसूरत जवाब होते थे। उनमें से एक सवाल था कि भाई सबको ये बात पता है, सबको ये बात पता है कि जो जीवन है ये बहुत दुखमय है, तो भी लोग क्यों नहीं भगवान की भक्ति करके वापस चले जाते। लोगों को पता है कि भगवान की भक्ति अगर हम करेंगे तो हम वापस चले जाएंगे, दोबारा से हमें ये शरीर, भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, हमें भगवान की तरह सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, सबको पता है, तो फिर क्यों नहीं वापस चले जाते लोग, क्यों नहीं भक्ति करते। आप भी ये सोचते होंगे, हालांकि मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों नहीं करते भक्ति, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। शायद आप बोलें कि वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, और टाइम कभी भी नहीं होगा, टाइम निकालने से निकलता है, टाइम अपने से नहीं आता है, टाइम वही 24 घंटे आपके पास है और एक भक्त के पास है, तो वही 24 घंटे का उपयोग और सदुपयोग दुरुपयोग सब कुछ आपको करना है। तो जब ये सवाल पूछा सुखदेव गोस्वामी जी से, तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। तो उन्होंने एक जगह दिखाई कि वहां पे एक मल पड़ा हुआ था, सूखा मल, और वहां पे एक कीड़ा उस मल में जाता था और जाकर के वो मल के लड्डू बना बना के, गोले बना बना करके, और फिर वो उसी में वो बड़ा ही प्रसन्न था। तो फिर जो है उन महाराज जी ने उस कीड़े को उठा करके एक बहुत ही सुंदर रोज पे रख दिया, गुलाब के फूल पे रख दिया, और गुलाब के फूल पर रख दिया, तो उसके बाद देखते हैं कि वो दोबारा से अबाउट टर्न हो गया, वो कीड़ा फिर से मल पर गया और फिर से वो वही सब काम करने लगा। तो फिर जो है परीक्षित महाराज को समझ आ गया कि हाँ यही बात है कि बेशक आप लोगों को बदलने की कोशिश करें, लेकिन उनकी प्रवृत्ति इतनी ज्यादा जटिल हो जाती है भौतिकवाद में रह करके, भौतिकता में रह के, कि वो बदल नहीं पाते। और हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी को कैसे हम सुंदर बनाएं, ऐसी जिंदगी जिसमें कि हमें ये इंतजार नहीं करना पड़े कि मृत्यु के बाद ही हमें मुक्ति मिलेगी। क्यों ना जिंदगी हम इस तरह से जिए कि इसी जीवन में हम मुक्ति का अनुभव करने लगे। जी हाँ, ये असंभव नहीं है। अगर आप अपने सभी कर्मों को, अपने सभी सोच को, अपने सभी कर्म फलों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब आप फिर अपनी जिंदगी के इस लक्ष्य को यही अचीव कर सकते हैं।
और बात की तो बात बाद में देखी जाएगी। भगवान तो अपने भक्तों का बहुत मान रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं भगवान। तो जैसे कि एक श्लोक है, आराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम। समझ आया? बहुत ही सुंदर श्लोक है कि अगर कोई भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य समझकर उन्हें पूजता है तो फिर उसके लिए कठोर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि सभी प्रकार की तपस्याओं को करने के बाद भी अगर कोई भगवान तक नहीं पहुंच पाता तो उन तपस्याओं का कोई मूल्य नहीं है। तब भगवत चेतना के बिना अनेक प्रकार की तपस्याएं व्यर्थ का श्रम है। और यही हम करते हैं, व्यर्थ का श्रम हम करते हैं। हमारी जो चेतना है, अगर हम अपने आप से पूछे तो वो भगवत चेतना नहीं है, वो भौतिक चेतना है। हम टीवी कितना देखते हैं, टेलीविजन में एक से एक चीजें देखते हैं, एक से एक सीरियल्स देखते हैं, पर आप ये नहीं जानते कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी जो चेतना है वो इतनी मैली हो जाती है, इतनी दूषित हो जाती है। वैसे ही करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो मैल है, जो संस्कारों का मैल है, भौतिक संस्कारों का मैल, वो आपके हृदय पर चढ़ा हुआ है। आपका मन मस्तिष्क उस मैल में भीगा हुआ है, पूर्ण रूपेण मैला है। तो ऐसे में अगर आप और भी जैसे टेलीविजन देखते हैं, और यहाँ तो अब जो हमारी चेतना को मैले करने के बड़े ही साधन हैं इस समाज में, कि आप टीवी के थ्रू, आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू, आप जो है मैगजीन्स पढ़ करके, कितनी कितनी किताबें निकलती हैं, कैसी कैसी किताबें निकलती हैं, राजनीतिक किताबें निकलती हैं, अश्लील किताबें निकलती हैं, इन सबको पढ़ करके आप अपनी चेतना को और मैली कर सकते हैं। तो मतलब आप अपना नुकसान खुद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको नुकसान करने की समस्त सुविधाएं मुहैया हैं। कितने कितने पब्स खुले हुए हैं, कितने कितने तरह की शराब जो है समाज में है, जिसे आप पी सकते हैं और अपने आप को और बर्बाद कर सकते हैं, घर को, पैसे को, अपने चैन को, हर चीज को। कितने कितने तरह के तंबाकू, गुटखे और पता नहीं क्या क्या है जिसे लोग खाते हैं, तो अपने आप को वो और कलुषित करते जाते हैं। तो ये जितना भी वो सोचते हैं कि हम और सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लें, एक ही जिंदगी तो मिली है, फिर किसने देखा है, ये जो लाइन है कि फिर किसने देखा है, ये बड़ी भ्रामक लाइन है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने देखा है, शास्त्रों ने देखा है, भगवान बताते हैं, स्वयं भगवान बताते हैं, तब और क्या चाहिए आपको। शब्द प्रमाण कितनी बड़ी बात है। देखिए, अगर कोई शब्द प्रमाण की महत्ता मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई एक बच्चा अपनी माँ से पूछे कि माँ ये बताओ मेरे पिता कौन है, तो माँ बता सकती है, फौरन बता देगी ये तुम्हारे पिता है। लेकिन अगर आप सोचें कि हाँ ये है मेरे पिता कि नहीं, चलिए मैं देखता हूँ, मैं सारे जितने भी पुरुष हैं दुनिया में उनके डीएनए टेस्ट करूंगा, ये है वो है, अगर आपके अंदर शक का कीड़ा हो जाता है और आप जो है इस तरीके से बिहेव करने लगते हैं, तो आप जो है कभी भी अपने असली पिता तक नहीं पहुंच सकते। आपको आपकी माँ की बात पर यकीन करना ही होगा कि हाँ यही मेरे पिता है। तो बात यकीन करने की आपकी माँ ने बताया। आप अपने माँ बाप से सीखते हैं पहला लेसन, कि पिता कहते हैं कि हाँ ये जो है ये कुर्सी है, ये जो है ये टेबल है, ये पंखा है, पिता बता रहे हैं। आपने पिता से सीखा, माँ बता रही है कि बेटा ये खाना है, ये भिंडी है, ये दाल है, ये चावल है। आपने सारा का सारा ज्ञान अपनी माँ से लिया, अपने पिता से लिया। तो अगर माँ बाप का ज्ञान परफेक्ट है तो आपका ज्ञान भी परफेक्ट होगा, है कि नहीं? होगा ना। तब आप जाकर के कहीं ये तो देखने नहीं जाते कि क्या सच में ये सही बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आपको बस श्रद्धा करनी होती है, यकीन करना होता है। ऐसे ही हमारे शास्त्र आपको सब कुछ बताते हैं, हमारे गुरु जो हैं, हमारे भक्त सब कुछ आपको बताते हैं, और तीनों की बात एक ही होती है, तो श्रद्धा की ही जरूरत है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, लोग कहें मीरा भाई पुल नासी। देखिए, भक्त जब भगवान के प्रेम में पड़ता है और भगवान से असीम प्रेम करने लगता है, तो उसकी स्थिति यही होती है, वो नाचता है भगवान के आगे। और भगवान के आगे नाचना, भगवान के अर्चा विग्रहों के आगे नाचना और भजन करना, ये बहुत ही उत्तम बात मानी जाती है। बहुत ही ज्यादा भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों का आलिंगन कर लेता हूँ जो मेरे आगे नाचते हैं। तो इसीलिए पग घुंघरू बांध मेरा नाची रही, ऐसी तरंग आपके अंदर आ जानी चाहिए भगवान की भक्ति में कि आप नाचने के लिए उठ जाएं आपके कदम, और आप एक बार भी ना सोचें इस बारे में कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का क्या है। इतना ज्ञान अगर उन्हें होता
तो लोग ऐसे नहीं होते और ऐसा हमारा समाज नहीं होता। तो भगवान के आगे नाचना, भगवान के गुणगान करना, भगवान को प्रेम करना, ये ही एकमात्र लक्ष्य है आपकी जिंदगी का। जैसे कि भगवान कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। बहुत सुंदर श्लोक, बहुत ही प्यारी बात। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही योगियों के हृदयों में रहता हूँ। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम, मेरे रूप, मेरे गुण और मेरी लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो भगवान वहाँ आ जाते हैं, भगवान वहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ भगवान वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उनका आभास आप कर सकते हैं। तो जहाँ भी भगवान की लीलाओं का गान होता है, भगवान के नाम का गान होता है, कीर्तन होता है, भगवान के रूप के बारे में कहीं चर्चा होती है, उनके गुणों के बारे में चर्चा होती है, भगवान वहाँ फौरन पहुँच जाते हैं। तो भगवान जो है वो भगवान कहते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। कि आप सोचे कि ये योगी है, बैठा हुआ है कंदराओं में, गुफाओं में और तपस्या कर रहा है, और अपने हृदय में जो चतुर्भुजी रूप जो परमात्मा का है, भगवान का है, उस पर वो ध्यान दिए हुए है, उसका ही मनन कर रहा है, तो मैं वहां भी नहीं रहता हूँ। मैं तो बस फौरन वहां चला जाता हूँ जहां पर कि लोग मस्ती से मेरे नाम रूप गुण और लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, मस्त है, भगवान के नाम का अमृत पी रहे हैं, मस्त है, भगवान के आगे नाच रहे हैं, मस्ती है। देखिए, जब एक व्यक्ति में जब मतलब व्यक्ति को नाचने का कितना लगा रहता है, आप सोचिए। मसलन आप देखते हैं कि बच्चे कहीं भी अगर म्यूजिक होता है, बच्चे एकदम से नाचने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका शरीर हिलने लगता है। अगर बूढ़ा भी व्यक्ति है, कोई बहुत ही फुट टैपिंग म्यूजिक है कहीं पे भी, तो वो भी अपना ताल देने लगता है। तो एक नाचने की जो कला है वो भगवान ने हम सब में दे रखी है कि नहीं, है ना। और लोग नाचने का बहाना खोजते हैं, कभी तीज त्योहार पर नाचते हैं, कभी जो है बारात में नाचते हैं, और कभी जब उन्हें कहीं कोई जगह नहीं मिलती तो वो चले जाते हैं डिस्कोथीक में, वहां जाके नाचते हैं। तो लेकिन उस प्रकार के नाच से हमारी जो चेतना है वो कलुषित हो जाती है, वो चेतना जो है भगवत चेतना नहीं बन पाती है, हम कलुषित हो जाते हैं पूर्ण रूपे उस प्रकार के नाच से, कि आपने ड्रिंक किया और आप नाच रहे हैं और आप जो है खूब तेज तेज शोर सुन रहे हैं और आप उसमें पागल हो रहे हैं, और आकर के फिर उससे आपको और भी इरिटेशन हो रही है, बाद में डिप्रेशन हो रहा है। तो एक नाचने की आवश्यकता सबको है, लेकिन अगर हम इसी नाच को भगवान के आगे नाचते हैं मस्ती में, हम जो है खूब अच्छे से मतलब कीर्तन करते हैं, भगवान के आगे नाच रहे हैं, तो वो जो नाच है वो दिव्य हो जाता है, वो आपको भगवान के बहुत करीब पहुंचा देता है, बहुत करीब। सारे लोक लाज त्याग करके आप पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। तो जब हमारे अंदर अगर अहंकार होगा तो ही हम है भगवान के आगे नहीं नाचेंगे, भगवान के आगे नहीं गाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा, हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम ही प्रेम होगा, जो कि आपकी जिंदगी का अभीष्ट है, भगवान के को प्रेम करना यही जिंदगी का अभीष्ट है, यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, यही एकमात्र एम है, प्राइमरी एम, यानी कि प्राथमिक जो आपका लक्ष्य है वो यही है कि आप भगवान से प्रेम करें। तो अगर आपको प्रेम होगा तो ये स्वतः होगा, नाचना गाना भगवान के लिए स्वतः होगा, और जहाँ ये सब होगा वहाँ भगवान कहते हैं कि मैं वहीं पर विराजमान रहता हूँ। और एक श्लोक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहूंगी। यत्रे डयन्ते कथा वृष्टास तृष्णायः प्रशमो यतः निर्वैरम यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। अर्थात जहाँ भी आध्यात्मिक दुनिया की शुद्ध चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है, वहाँ सुनने वाले सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। यही नहीं, वो एक दूसरे से ईर्ष्या भी नहीं करते और ना ही उन्हें कोई चिंता या भय सताते हैं। कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात। देखिए, आप लोग सोचते हैं कि अरे क्या करें, एक के बाद एक इच्छाएं लगी ही रहती हैं, और वस्तुतः भौतिक इच्छाओं को करने की वजह से ही आप भौतिक जगत में आते हैं। शायद आप ये बात नहीं जानते कि जितने आपके जन्म होते हैं
जो कि आप बार बार जन्मते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इतने इतने शरीर आप धारण करते हैं, वो भौतिक जगत आप धारण ही इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी भौतिक इच्छाओं का अंत ही नहीं होता। लेकिन आपको तरीका बताया गया है, तरीका ये है कि आप जो है भगवान के नाम को जपें, भगवान की चर्चाओं को सुने, ऐसी जगह जाएं जहां भगवान के बारे में चर्चा होती है, तो हमारी भौतिक इच्छाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। और क्या होता है, और जो है ये सब सुनने से हमारी श्रद्धा जो है, जो कहीं बीज रूप में है, वो एक बरगद का पेड़ जैसा रूप धारण कर लेती है, बहुत बड़ी हो जाती है हमारी श्रद्धा भगवान में, और असीम हो जाती है श्रद्धा असीम हो जाती है। और भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव में मेरी शरण लेता है मैं उसी भाव में उसका भजन करता हूँ। ये भगवान कहते हैं। तो भगवान इतनी बड़ी बात कहते हैं कि आप जिस भाव में मेरी शरणागत होंगे उस भाव में मैं भी आपका भजन करूंगा। तो एक जगह है जहां आपको कोई रेसिप्रोकेट करने वाला है आपके प्रेम का, अगर आप प्रेम देंगे 100% तो आपको 100% वापस मिलेगा, है ना। दुनियावी रिश्तों में ऐसा नहीं होता, लेकिन भगवान ऐसा करते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो जब हमारी श्रद्धा ऐसी होती है कि भगवान में अविचल हो जाती है, तो हमें जो है भक्ति का फायदा होने लगता है, हमें आभास होने लगता है भगवान की उपस्थिति का। हम तब ये नहीं कहते कि हमें भगवान लाके दिखाओ। वैसे भगवान दिख भी सकते हैं अगर आपकी व्यग्रता, आपकी उत्कंठा, आपकी व्याकुलता बहुत अधिक हो, तो ईगरनेस पर डिपेंड करता है कि आप भगवान को देख पाएंगे कि नहीं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के एक मंदिर में गए, वहां उन्होंने एक अनपढ़ ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण ने भगवद गीता को पकड़ी हुई थी और वो रो रहा था, उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ खड़ी थी। उस अनपढ़ ब्राह्मण पर सब हंस रहे थे, सब कह रहे थे देखो देखो ये तो अनपढ़ है और भगवद गीता को पकड़कर हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, अरे ये अनपढ़ भला क्या पढ़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने ये सुनकर उस ब्राह्मण से पूछा, भाई सब तो कह रहे हैं कि तुम अनपढ़ हो, तो तुमने भगवद गीता पकड़ी क्यों हुई है, तुम तो अनपढ़ हो। इस पर उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं तो अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि मैं प्रतिदिन भगवद गीता पढ़ूं, और बेशक मैं अनपढ़ हूँ पर इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, तो उसने कहा मैं जब जब भगवान श्री कृष्ण को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि वो तो स्वयं भगवान है, समस्त ब्रह्मांडों के मालिक हैं, सारे ग्रहों के स्वामी हैं, पर फिर भी वे अपने भक्त अर्जुन के सारथी बने हैं, उनका रथ हांक रहे हैं। भगवान की ये विनम्रता देखकर मेरा हृदय पिघल जाता है और मैं रोने लगता हूँ। ये सुनकर महाप्रभु ने उस ब्राह्मण की सराहना की और कहा तुमने ही भगवद गीता को सच्चे रूप में समझा है। तो मुद्दा ये है कि जब भगवान को हम देखते हैं तो हम उन्हें खुश करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करने लगते हैं। तो श्रद्धा की बात है, श्रद्धा है आपको भगवान के शब्दों में, श्रद्धा है आपको अगर भगवान में, आपको अपने आचार्यों में श्रद्धा है, अपने गुरु में श्रद्धा है, तो आप जो है भक्ति में बहुत अधिक अग्रसर होंगे। लेकिन अगर कहीं आपकी श्रद्धा कुंठित हो गई, यदि आपकी श्रद्धा कम हो गई, खत्म हो गई, तो आपको कुछ भी फायदा नहीं देगा। वो रिश्ते जो कि कल तक बहुत सुहावने लगते थे, आप चेक कीजिए कि कहीं आपकी अपनी श्रद्धा तो उन रिश्तों में खत्म नहीं हो गई, तभी वो आपको कड़वे लगने लगे हैं। क्या आप भी उनको उतना ही दे रहे हैं जितने की एक्सपेक्टेशंस आपको हैं? यही हाल हमारा भगवान के साथ है। जितना हम भगवान के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, भगवान उतना ही हमारे निकट आएंगे। और हमारे साथ एक कॉलर भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे बताइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अर्जुन सखा दास है। अच्छा अर्जुन, और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। माता जी एक सवाल है मेरा। पूछिए। कि एक दो तरीके भक्त हैं। एक भक्त जो कि हमेशा भक्ति प्रेम भाव में भगवान की भक्ति करता है, वो पुण्यात्मा है। अच्छा। और एक है कि जो कि बिल्कुल पापात्मा, जैसे कि कंस है या रावण है, ऐसे कोई भी दुराचार करता रहता है लेकिन भगवान की भी भक्ति करता है। और दोनों में क्या अंतर है, भगवान इस दोनों को कैसे किस तरीके से लेते हैं? अच्छा। बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, आप कैसे भी जाएं भगवान के पास, किसी भी भाव में जाएं, लेकिन भगवान तक अगर आप पहुंचते हैं तो भगवान बिल्कुल समान भाव से, बहुत ही प्रेम से उसे लेते हैं। एक श्लोक है बहुत ही सुंदर, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, स
साधु रेव सा मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा, अर्थात कि कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो मगर वो अगर अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है तो उसे साधु ही समझो। क्यों? क्योंकि बहुत ही जल्दी उसमें सद्गुण उत्पन्न हो जाएंगे। कैसे? ऐसे कि अगर एक लोहा जो है, अगर आप लोहे का चिमटा जानते हैं, आपने देखा है, तो अगर लोहे के चिमटे को अगर आग में आप रखते हैं, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वही लोहे का चिमटा जो है वो अग्नि का काम करता है। यानी अगर आप उसे किसी कागज पे रखेंगे तो कागज धू धू करके जल उठेगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, चाहे वो कितना ही दुराचारी क्यों ना हो फॉर द मोमेंट, वो उसे भगवान कहते हैं, उसे महात्मा, उसे साधु समझो, क्योंकि बहुत ही जल्दी उसमें अच्छे गुण आ जाएंगे। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन जहां आपने एक एग्जांपल दिया कि कंस का रावण का क्या हाल हुआ होगा, तो नेचुरली भगवान के छूने मात्र से उनकी मुक्ति हो गई, और वो चाहे बैर भाव में भी भगवान का स्मरण करते थे मगर भगवान का येन केन प्रकीर्ण स्मरण अवश्य करते थे ये लोग, और इसीलिए स्मरण करने से, भगवान के बारे में सोचते रहने से उनकी मुक्ति हो गई। तो भगवान तो बहुत ही मर्सीफुल हैं, बहुत ही दयालु हैं, और भगवान को जो है अच्छी बात तो ये है कि आप उनसे प्रेम करें, उनसे वैर ना करें, लेकिन तो भी अगर किसी भी तरीके से आप उनका हमेशा स्मरण करते हैं, चाहे आपके अंदर कोई लस्टी डिजायर है भगवान के लिए, तो भी अगर आप उनका स्मरण करते रहते हैं तो भी उसका बहुत उत्तम फल मिलता है। बजाय इसके कि आप भौतिक चीजों के विषय में सोचें, आप सोचें कि आज मुझे टेलीविजन पे ये सीरियल देखना है, आप ये सोचें कि मुझे आज ये मूवी देखनी है, आज तो फर्स्ट शो और फर्स्ट पता नहीं क्या क्या वो सब देखना है, हाँ अगर आप ये सारी चीजें सोचेंगे तो आपकी जो चेतना है वो दूषित होगी। तो लेकिन अगर आपकी चेतना दूषित होगी तो दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा ना आपको, यहीं पे ही इसी धाम में, तो और कितने ही मतलब ग्रहित प्लैनेट से भी आपको जाना पड़ सकता है। तो बहुत ही दुखद बात है ये कि आपके पास अगर मनुष्य योनि है और आप इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, यानी कि आपको जो अल्प स्वतंत्रता दी गई है उसका आप दुरुपयोग करते हैं, तो वही बात होगी जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्य कहा पक्षीणाम दश लक्षणम त्रिमशाल लक्षाणी पशवा चतुर लक्षाणी मानुषा। अर्थात जल में 9 लाख प्राणी रहते हैं, 20 लाख अचर प्राणी जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, 11 लाख तरह के जो प्राणी हैं वो कीड़े मकौड़े सांप वगैरह होते हैं, 10 लाख योनियां पक्षियों की होती हैं, 30 लाख योनियां 4 पैर वाले पशुओं की होती हैं, और 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। तो यानी जो इस समय प्रेजेंट मनुष्य जीवन आपको मिला है वो बहुत 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 दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, और मात्र भक्ति करने के लिए मिला है। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, सूचना है आपके लिए, और ऐसी सूचना है जो आपको झकझोर के रख दे तो बेहतर है कि आपको भक्ति करने के लिए ही मनुष्य योनि दी गई है। लेकिन अगर इस मनुष्य योनि का उपयोग आप सिर्फ और सिर्फ इंद्र तृप्ति में करते हैं, ऐसी इंद्र तृप्ति जो पशुओं को भी सहज रूप से उपलब्ध है, तो आपके लिए कहूंगी कि आप आत्महना है। और हम बात कर रहे हैं बहुत ही प्यारी भगवान के संबंध में, हमारे साथ एक कॉलर हैं, पहले इनसे बात करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ, हरे हरे कृष्णा। हाँ, नाम क्या है आपका? मैं विमल किशोर मेहरा बोल रहा हूँ जी, राणा प्रताप से। अच्छा। हाँ मैडम, मैं आपकी बात को साक्षात्कार का प्रमाण देने के लिए रामचरित मानस के अयोध्या कांड का 263वां दोहा पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमरत नाम तुम्हार। भगवान का नाम लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, हमारा अमंगल दूर हो जाता है, इस लोक में सुजस मिलता है और अगले लोक के अंदर हमारे को सुख मिलता है। बिल्कुल। और दूसरा, जो आपके चैनल पे आप पे जो भगवान की कृपा हुई और आपने हम पे करी है, उस बात को आप तक सिद्ध करने के लिए उत्तराखंड का 125वां दोहा पढ़ के सुना रहा हूँ। गिरजा संत समागम तमने लाभ कछुआन, संत मतलब आप हो गए, आप सबकी तुलना हो गई है, ऐसे तो भगवान के लिए है लेकिन आपने जो हमारे पे कृपा प्रदान करी है। गिरजा संत समागम तमने लाभ कछुआन, बिना हरी कृपा ने होई जो गावे वेद पुराण। ये आप पे और आपके चैनल पे जो भगवान की कृपा हुई है, जो आपने हम सबको कृपा करी है। चलिए, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। और ये बात तो सत्य है कि बिना भगवान की कृपा के ये सब चीजें संभव नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है और गुरु महाराज की कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही हृदय में प्रकाशित होता है और हम आप तक ला पाते हैं, तो ये सब भगवान की वाकई असीम कृपा है। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान से जो श्रेष्ठ है वो कोई सत्य नहीं है, है ना। भगवान कहते हैं मतः परतरम नान्यत् किंचद् अस्ति धनंजया मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। अर्थात हे धनंजय,
हे धनंजय, कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, पूर्ण सत्य। हर चीज मुझ पर वैसे ही आश्रित है जैसे कि एक धागे से मोती गुंधे हुए हों। धागा टूटा, मोती छिन्न भिन्न। तो धागे पर ही सारे के सारे मोती आपको दिखते हैं। आपको धागा नहीं दिखता, आपको मोती दिखते हैं। आपको लोग दिखते हैं, आपको ये सृष्टि दिखती है, आपको सृष्टि का की विविधता दिखती है, आपको सृष्टि में सौंदर्य दिखता है, आपको सृष्टि में विभिन्न चीजें दिखती हैं, लेकिन आपको वो धागा नहीं दिखता जिस पर कि ये सब कुछ टिका हुआ है। सोचिए कैसे हम आसमान में घूम रहे हैं, कैसे पृथ्वी घूम रही है, किसने पृथ्वी को आसमान में उठा रखा है, किसने चांद और तारों को टांक रखा है आसमान में, क्यों नहीं गिर पड़ता है। कि कोई भी आपने सुना होगा कि बड़े बड़े उल्कापिंड, बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो गिरते हैं कहीं पे जाकर के, क्यों ऐसी जगह पर गिरते हैं जहां पर आबादी नहीं होती। हाँ, और पहली बात, और दूसरी बात ये कि क्यों नहीं ये तारे, ये चांद और ये कितनी बड़ी बड़ी चीजें जो ऊपर हैं वो क्यों नहीं गिर जाती, किसने टांग रखा है इन्हें, कितनी खूबसूरती से, कैसे एक फूल है वो वैसे ही उगता है जैसे कि उसे उगना चाहिए, वैसे ही सुंदरता, वैसी ही खुशबू। कोई भी साइंटिस्ट, इस दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट, क्यों नहीं वैसा ही फूल अपने लैब में बना पाता, क्यों नहीं। आप कहते हैं कि H2O से पानी बनता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला दीजिए मॉलिक्यूल और फिर पानी बन जाता है, तो क्यों संसार में पानी की कमी हो जाती है, क्यों क्यों नहीं साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने इतने पैसे खर्च होते हैं विभिन्न शोधों पर, इतने रिसर्च होते हैं, तो सिर्फ इतना रिसर्च आप नहीं कर सकते कि हाँ आप पानी ही मुहैया करा दीजिए, कहीं कोई प्यासा ना मरे, कहीं कोई रात को 3 बजे उठ करके नलके के पास खड़ा ना रहे कि हाँ अभी पानी आएगा, अभी पानी आएगा। कहाँ से आएगा? नदी से आएगा। नदी कहाँ से हुई? नदी भगवान ने दी आपको। हाँ, वर्षा हुई, वर्षा से नदियां जो है वो अप्लावित रहती हैं जल से, तो आपके पास आता है। जब वर्षा अच्छी सी होती है तो आप देखते हैं कि आपके घर में पानी की कमी नहीं होती, और भगवान कहते हैं कि मैं वर्षा कराता हूं। मैंने एक श्लोक कहा था जिसमें उन्होंने कहा कि देवी और देवता जो भी है, जो वर्षा कराते हैं और जो हवा चला रहे हैं, उन सबको मैं नियंत्रित करता हूं। तो जब भूमि पर पाप बढ़ जाएगा तब ये सारी चीजें भी खत्म होने लगेंगी, अकाल पड़ने लगेगा, सूखा पड़ने लगेगा। लेकिन जब हम हरि नाम लेते हैं, जब हम भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाते हैं, जब हम ये मानने लगते हैं, जानने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि भगवान से परम और कोई सत्य नहीं, तो सब ठीक हो जाता है, ट्रस्ट मी। और हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, पहले इनसे बात करते हैं। जी जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपक मेहता। हाँ दीपक बोलो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो लोग भगवान को बहुत सुमन करते हैं या उनके बहुत नजदीक रहते हैं, उनको भगवान का दुख क्यों देता है? मतलब कि आप कहते हैं जो भगवान का सुमिरन करते हैं उन्हें बहुत दुख मिलता है। हाँ, उनको दुख मिलता है, लेकिन समय परिस्थितियाँ सब कभी भी उनका सपोर्ट नहीं करती, उनसे काफी दूर रहती है। अच्छा। और जो लोग इस चीज से बहुत दूर रहते हैं, मतलब कभी को मंदिर चला गया या घर से दूर मंदिर में चला गया, तो उसमें उनको इतना फल मिल जाता है, होता है। चलिए मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि, वैसे तो ऐसा नहीं है कि जनरलाइज नहीं कर सकते, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि जो भगवान का बहुत सुमिरन करते हैं और वो बहुत सुखी हैं, है ना। और दिखेगा कि शायद आपको लगे कि बहुत दुखी है, अरे बड़ा ही, इसके पास तो कोई इतना ना मोटर गाड़ी है, ना आलिशान बंगला है, छोटा सा मकान है और छोटा सा काम है, छोटी सी दुकान है, लेकिन वो फिर भी बहुत संतुष्ट है। संतुष्टि की लालिमा से उसका चेहरा ओतप्रोत है। ये आप गौर नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उसमें उनको इतना उत्तम रस मिलता है कि उस रस के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है कि भाई क्या दुख आया और कब चला गया, उन्हें पता ही नहीं चलता है। इतना ज्यादा ही अनुपम रस होता है भगवान की भक्ति में। लेकिन आपने कहा कि वो लोग बहुत दुखी होते हैं, तो ये मत सोचिए कि अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, तो वो उसका मतलब दुखी होना है, नॉट नेसेसरी, है ना। हो सकता है कि वो अधिक, हो सकता नहीं, होता है, वो व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है कि जिसके पास ये सब कुछ है। अब दूसरी बात आपने कही, जो कभी कभी मंदिर चले गए मगर वो फिर भी सुखी है, और जो कि बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं वो दुखी है, नॉट नेसेसरी। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे कोई दुखी होती है, क्योंकि भक्त कभी दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है। हालांकि भगवान कहते हैं कि यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम चने, यानी कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। उसका वो क्यों होता है?
एक कथा है इसके पीछे, छोटी सी कथा है, थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। वो ऐसा कि एक बार भगवान जो है वेश बदल करके नारद मुनि के साथ एक व्यक्ति के पास गए। एक सेठ था, वो कभी कभी भगवान का नाम ले लेते था, कभी कभी भगवान के लिए कुछ दान पुण्य कर देता था। तो उसके पास गए और जाकर के उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो उस सेठ ने दरवाजा खोला और उसने कहा, भाई इतनी रात को क्या बात है, कौन आ रहे हो, कौन हो तुम, जाओ यहां से, कोई अंदर नहीं आ सकता। तो ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है भाई, ये बहुत और अमीर हो जाए, इसके पास खूब दौलत आए, खूब दौलत आए, बहुत 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 दौलत आए इसके पास। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो चले। उसके बाद वो एक जगह और गए जहां पे कि एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक गाय थी जिसका कि वो दूध निकालती थी, पीती थी और बेचती थी, और इस तरह से उसका गुजारा चलता था। तो भगवान जो है नारद जी के साथ रात को गए उसके पास, दरवाजा खटखटाया, वो बाहर आई। उसने कहा कि उनकी अतिथि मेरे घर आए हैं, अतिथि तो देवता जैसे होते हैं, आइए बैठिए। उसके पास कुछ नहीं था, एक टूटी फूटी चारपाई थी, वो चारपाई पे उसने एक चादर बिछाया और उस पर बिठा दिया भगवान को, नारद जी को बिठा दिया। उसके बाद जो है उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये जो मतलब आपका मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, दूध लेकर के आई, दूध पिलाया भगवान को। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी गाय मर जाए, एकमात्र जो जीविका का साधन है वो मर जाए। नारद जी ने पूछा, ये क्या किया आपने भगवान, वो जिसने आपकी कोई सत्कार नहीं जिसने किया आपका, जिसने आपको पूछा भी नहीं, उसको आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम और माला माल हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, और इसका तो एक ही बिचारी का एकमात्र सहारा गाय थी, वो भी छीन लिया आपने। तो भगवान हंसने लगे, बोले देखो नारद जी, अब ये व्यक्ति कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा धन के ऐश्वर्य में आकर के, हमेशा वो जन्म लेता रहेगा, कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ये औरत जिसकी अब जिसका अंतिम सहारा भी अब खत्म हो गया, वो मुझे ही अपना सहारा बना लेगी, और सिर्फ मुझे सहारा बना करके वो इसी जन्म के अंत में इसी देह को त्याग करके वो मेरे धाम आ जाएगी। तो इतनी बड़ी कृपा करते हैं भगवान, तो ऐसे दुखों से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत परीक्षाएं लेते हैं भगवान, नो प्रॉब्लम, आप लीजिए, कितनी परीक्षाएं लेते हैं, हम देंगे ना परीक्षाएं। भगवान बहुत कृपालु हैं, वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी परीक्षा नहीं लेते, थोड़ी सी लेते हैं कि हाँ देखने के लिए कि हाँ भाई आपकी भक्ति कितनी दृढ़ है। तो दृढ़ रहिए, वही तो आपको दृढ़ रहना है इस मनुष्य जीवन को पा करके, आप यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो एक और हमारे साथ कॉलर है, बात करते हैं इनसे। म्याओ, लगता है कि इनका फोन कट गया, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बात करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हमें कोई भी दुख का एहसास होगा, दुख का आभास होगा, उल्टा वो दुख जो है कम होता चला जाएगा, है ना। देखने वाले को जरूर लगेगा कि आप दुखी हैं, लेकिन कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। और इसलिए आप भगवान को हमेशा याद कीजिए, हमेशा याद कीजिए। कुछ भी आप करते हो, बहुत आसान तरीका है भगवान को याद करने का। भगवान कहते हैं, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य योहु, यानी कि जब भी आप पानी पिए तो सोचें कि भगवान पानी का स्वाद है, जब भी आप सूर्य को देखें तो भगवान कहते हैं मैं इसकी प्रभा हूँ। इजी वे टू रिमेम्बर हिम। हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? राजेश कुमार शुक्ला। राजेश जी कहिए। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप इस आधुनिकतम युग में आप इतना अध्यात्म की बात कर रही हैं, या मतलब भगवान के लिए ऐसे बहुत कम लोग है ही नहीं है। हमको तो लगता है बहुत ही कम लोग हैं जो इस बारे में सच्ची श्रद्धा रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बात ये था, एक उलझन थी जी, कि जो ये पारिवारिक मोह और पारिवारिक अड़चने आप भी समझ सकती हैं शायद, सारा कुछ पूरा, तो इसमें भगवान को निरंतर कैसे बजाया जा सकता है, और सच्ची भजना क्या है परिवार को, मतलब सच्ची एकदम वैराग्य का रूप सही है, या मतलब कैसे बजाया जा सकता है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम लोग ये बहुत बड़ी भूल करते हैं जब सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी आपने एक प्रश्न किया, मैं अपनी अल्प बुद्धि की जहाँ तक सीमा है वहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूंगी। कि देखिए,
भगवान कहते हैं कि जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण चगृह्यते, यानी कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे हाँ, और अगर हम थोड़ा सा वैराग्य रखेंगे, सेंस ऑफ डिटैचमेंट, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने बाल बच्चों को छोड़ दें, बिल्कुल नहीं करिएगा ऐसा, ऐसा करना पाप है। कलयुग में जनरली संन्यास की संस्तुति नहीं की जाती है, तो बच्चों को छोड़ना नहीं है, बीवी को नहीं छोड़ना है, अपना काम धाम बिल्कुल अच्छे से करना है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है। ये है ना, ब्रह्मण याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र में वाम्भसा, यानी कि आप जो है संग का त्याग कर दीजिए मन से, तब आप उस पाप में, उस कर्म में लिप्त नहीं होंगे, उसके कर्म फल में लिप्त नहीं होंगे, तो आप बंधन से नहीं बंधेंगे। और अगर आप कर्म फल में लिप्त हो जाते हैं तो यही एकमात्र बंधन है आपके ऊपर जो आपको गिरा देता है। आप बार बार जन्म लेते हैं सिर्फ इसी बंधन के कारण। तो ये प्रयास कीजिए आप, और मैं ये फिर से नहीं कहूंगी कि आप जो है कुछ भी छोड़ दीजिए, बस सेंस ऑफ डिटैचमेंट जरूर होना चाहिए। इतना लिप्त मत हो जाइए कि अगर वो चीज ना रहे हमारी जिंदगी में, चाहे वो हमारे बच्चे हो, हमारे पति हो, हमारी पत्नी हो, हमारा काम धाम हो, तो अगर वो चीज हमारी जिंदगी में ना रहे तो हम इतने डिप्रेशन में चले जाएं कि अपनी जिंदगी का ये सुनहरा अवसर खो दें भगवान की भक्ति करने का। तो बस यही मेरा अनुरोध है और कुछ नहीं। एक और कॉलर है। मैम, मैं अरुण चिट्ठी बोल रहा हूँ। हाँ जी अरुण जी, मैं आपका प्रोग्राम हर शनिवार इतवार को इंतजार करता हूँ आपकी जी। और बहुत मेरे को अच्छा लगता है कि धन्य आपके माता पिता जिन्होंने आपको ऐसी ही शिक्षा दी कि शुरू से ही आप इस काम में लग गए। बहुत अच्छा लगता है, इमोशनल में इतना हो जाता हूँ कि पूछो मत। बस क्वेश्चन तो मेरा कोई नहीं, आपका थैंकफुल करना था। अच्छा अच्छा, चलिए आपने शुक्रिया कहा और मैंने उसे स्वीकार किया। और चलिए, अच्छी बात लगी कि कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आ रहा है, और हमारी तो यही इच्छा रहती है कि हमारा प्रयास भी यही रहता है कि इस कार्यक्रम से आपको फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जैसे कि कहा भी गया है, फायदा है किसमें, इस मनुष्य योनि को धन्य बनाने में। हमने अभी क्या किया हुआ है, हमने क्या किया है कि हमने व्यर्थ का सामान इकट्ठा कर लिया है अपनी जिंदगी में, लेकिन जो भगवान है उनको सबसे लास्ट में रखा हुआ है। तो 0000 चाहे आप कितने भी जोड़ लो, और लास्ट में अगर एक लगाएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं रहा। वो सारे जो कुछ जीरो आपने जोड़े थे, जो भी इकट्ठा किया था, वो फिर निष्फल हो गया, यानी वो व्यर्थ का श्रम हो गया। तो ये इस व्यर्थ के श्रम को करने से हमें बचना है। जो एक आपने अंत में रखा हुआ है यानी भगवान को, उसे अगर आप अपने सबसे पहले ले आएंगे और उसके बाद आप कुछ भी करेंगे, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर, उन्हें ध्रुव में रख करके अगर आप जो है कुछ भी करेंगे तो वो दिव्य हो जाएगा। तो उसकी कीमत होगी, उस जीरो की कीमत होगी जो आप करते हैं। तो केंद्र बिंदु भगवान को बनाइए और जो कुछ करना है वो करिए। कोई आपको रोक नहीं रहा है, कोई आपको कह नहीं रहा है कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भजन कीजिए, भगवान का स्मरण चलता रहता है। जब आप हर चीज में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं, भगवान जड़ चेतन सब कुछ भगवान से उद्भूत है, जब आप बार बार ये एहसास करते हैं, अपने अंदर स्थित परमात्मा को आप नमस्कार करते हैं, बारंबार उनसे बातें करते हैं, तो ये सब कुछ ये कीर्तन हो जाता है। यही आराधना है, यही पूजा है, यही तपस्या है। और हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, इनसे बात करते हैं। जय श्री राधे पार्वती जी। जय श्री राधे, कहिए। आप पहले आप बताओ कैसे हो। मैं ठीक हूँ, आपका शुभ नाम। मेरा नाम राजेश चौधरी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा राजेश जी, हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। भाई ऐसा है, जैसे हम सुनते हैं और पढ़ते हैं प्राचीन काल के अंदर, जैसे सुर और असुर तो दोनों का ही साथ देते थे भगवान। अच्छा, और आज के युग में देखे तो इसी प्रकार के बहुत से लोग मिलेंगे जैसे सुर और असुर टाइप के, तो क्या आज भी भगवान का साथ देते हैं? दोनों का साथ देते थे, पहले बताइए किस तरह से साथ देते थे, थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए लोगों को। भाई ऐसा है देखो, जैसे कि लाला है मतलब बेईमान है और लूटपाट करता है, मतलब अलग से रेट लेता है, मतलब ऐसी चीजें बहुत सी मिल जाएंगी। जैसे हाँ, कहना नहीं चाहता, जैसे हमारे वरिष्ठ नेता भी होते हैं, चलो असुर टाइप ही होते हैं सभी। अच्छा, भगवान फिर भी इनका साथ देते हैं कि आज भी? अच्छा, ये सवाल पूछ रहे हैं आप। तो देखिए ऐसा है, भगवान ने ना जो साथ देने की बात है ना, भगवान ना समस्त सुविधाएं आपको आपकी इच्छा के अनुसार मुहैया करा देते हैं। आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है ना भगवान ने, समस्त सुविधाएं आपको मुहैया करा दी, दे दी आपको, उसके बाद आप उन सुविधाओं का उपयोग करें, दुरुपयोग करें, कौन रोकता है आपको? मसलन कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए,
आपने सुबह सुबह अपने बच्चे को बड़े ही अच्छे से तैयार किया, सब भगवान के बच्चे हैं ना, आपने भी अपने बच्चे को तैयार किया, स्कूल भेजा उसे, वो अपना बस में बैठ के चला गया, आपने सोचा हाँ जी अब सुबह 7 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक वो स्कूल में होगा, लेकिन बीच में बच्चा जाता है और जाकर के किसी सिनेमा हॉल की टिकट खरीदता है अपनी फ्रेंड के साथ और वो वहां के मस्ती करता है और फिर उसके बाद उसी बस में बैठ के वापस आ जाता है। अब आपको क्या पता कि वो क्या कर रहा है, है ना? आपने तो सोचा कि चलो मैंने इसको स्कूल भेज दिया, आपने उसे स्वतंत्रता दे दी कि बेटा जाओ स्कूल में पढ़ना, आपने उस पर विश्वास किया, अब उसने उसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें? तो पिता कुछ नहीं कर सकता, पिता बहुत मजबूर हो जाता है। इसी तरह हमारे जो पिता हैं भगवान, वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आप उनके अंश हैं, आपको स्वतंत्रता दे दी, सब कुछ दे दिया, आपको सुविधाएं दे दी, अब आप उसका दुरुपयोग करिए तो अब क्या किया जा सकता है? आपको शास्त्र भी दे दिए, आपको गुरु भी दे दिए, आपको भक्त भी दे दिए, आपको ये प्रवचन भी बता दिया कि भाई ऐसे नहीं, अपनी जिंदगी को ऐसे जियो, हाँ भगवान से प्रेम करो, भगवान के भक्त बनो, लेकिन अगर आप उस पे ध्यान ना दीजिए तो ये तो बड़ी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना। तो वो समस्या नहीं होनी चाहिए, वो समस्या मतलब अच्छी बात नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए इस चीज से। तो ये जो है, ये जो बात है कि भाई भगवान असुर का साथ देते हैं, सुर का साथ देते हैं, भगवान ने असुर को भी भगवान ही ने पैदा किया है, भगवान का बच्चा है और सुर भी भगवान का बच्चा है, तो दोनों ही को भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि जो भगवान से प्रेम करता है उसे भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं। कैसे? कि जैसे आपका बच्चा है, आप एक बच्चा जो है आपने उसे पैसे दिया और पैसा लेकर के वो बच्चा गया और जाके वो एक चॉकलेट खरीद के लाया, दोनों बच्चे चॉकलेट खरीद के लाए, एक बच्चा वो चॉकलेट खुद बैठ के खाने लगा, दूसरे बच्चे ने कहा पापा पापा देखो ना मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आया, ये लीजिए मैं आपके लिए लाया पापा, पैसा आपका है लेकिन बच्चा आपके लिए लाया, तो आप कितने भाव विभोर हो जाएंगे, कितने खुश हो जाएंगे, आपका पैसा है लेकिन बच्चे ने आपको दिया, आप कितने खुश हो जाएंगे, और दूसरा बच्चा जो खुद खा रहा है उसके लिए आप उदासीन रहेंगे, इंडिफरेंट रहेंगे, प्रेम है लेकिन तो भी इंडिफरेंस है, लेकिन ये बच्चा जिसने आपको दिया कि पापा मैं आपके लिए लाया हूं, आप बहुत खुश होंगे कि नहीं होंगे, है ना? तो वही बात है कि भगवान की चीज ही जब हम भगवान को देते हैं, अर्पित करते हैं, सबसे पहले उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें देते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे, तो भगवान भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और वो इतनी कृपा करते हैं आप पे कि क्या बताएं, आप उसका एहसास नहीं कर सकते। उसका एहसास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो माइक है, हमारी बुद्धि माइक है, हमारा मन माइक है, माया का बना हुआ है, लेकिन जो सच्चा है वो है, जो सच्ची चीज है वो है आत्मा, जो कि आप हैं। आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अगर आप अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लें, पुनः भगवान की सेवा में जुड़ जाएं, जो कि आपका सच्चा स्वरूप है, तो आप कभी भी भगवान के प्रेम से वंचित नहीं होंगे, उनके प्रेम का आभास आपको सदा सर्वदा रहेगा, उनकी उपस्थिति का एहसास रहेगा, आप जड़ चेतन सब जगह उनको देखते रहेंगे, है कि नहीं? हा? सांवरा तो आपकी प्रीत निभाना हमेशा चाहते हैं, इसीलिए वो आपके हृदय में विराजमान है, लेकिन आपको उनसे इतनी प्रीत करनी